जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में साबित किया था, जन्मभूमि यही है। वेदों और पुराणों के उदाहरणों के साथ दिया था जज के सवालों का जवाब। नेत्रहीन होने के बावजूद मंदिर निर्माण के रास्ते की हर रुकावट को दूर किया। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर जिस भव्य मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होगा, उसके निर्माण के रास्ते में कितनी बाधाएं और रुकावटें आई, इसकी कल्पना भी कठिन है। 5 शताब्दियों का इंतजार पूरा होने के रास्ते में आने वाली इन रुकावटों को दूर करने में एक तरफ जहां संतों धर्माचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, वहीं कार सेवकों के रूप में राम भक्तों के बलिदान के साथ सरकारी अधिकारियों और न्यायविदों ने भी अहम भूमिका निभाई। तरह तरह के तर्क, दलील और वेदों पुराणों के अध्ययन से जुटाई गई जानकारी के हथियार से इस लड़ाई को न केवल लड़ा गया बल्कि विजय हासिल की गई, जिसकी परिणति मंदिर के रूप में हो रही है। मंदिर के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने में जिन संतों धर्माचार्यों ने प्रमुख भूमिका निभाई, उनमें जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। यह वही जगतगुरु हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान वेदों पुराणों के उदाहरणों से साबित किया था कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि यही है। नेत्रहीन होने के बावजूद जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य ने मंदिर निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत सारे काम किए। इनके अलावा एक और संत थे सत्यनारायण मौर्य, जिन्होंने पहली बार राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा बुलंद किया था, जो मंदिर आंदोलन का सूत्र वाक्य बन गया। मंदिर आंदोलन की इन दोनों महान विभूतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। वह दृश्य था सुप्रीम कोर्ट का। श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में वादी के रूप में उपस्थित थे धर्म चक्रवर्ती, तुलसी पीठ के संस्थापक, पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, जो विवादित स्थल पर श्री राम जन्मभूमि होने के पक्ष में शास्त्रों से प्रमाण पर प्रमाण दिए जा रहे थे। न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे जज मुसलमान थे। उन्होंने सवाल किया, आप लोग हर बात में वेदों से प्रमाण मांगते हैं, तो क्या वेदों से ही प्रमाण दे सकते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में उस स्थल पर ही हुआ था? जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, जो नेत्रहीन है, ने बिना एक पल भी गवाए कहा, दे सकता हूं महोदय। और उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से उदाहरण देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है। राम भद्राचार्य ने बताया कि अथर्व वेद के दशम कांड के 31वें अनुवाक्य के द्वितीय मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 8 चक्रों और 9 प्रमुख द्वार वाली श्री अयोध्या देवताओं की पूरी है। उसी अयोध्या में मंदिर महल है, उसमें परमात्मा स्वर्ग लोक से आए। साथ ही यह भी लिखा है कि प्रभु राम के जन्म स्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू नदी बहती है। कोर्ट के आदेश से जैमिनीय संहिता मंगाई गई और उसमें जगत गुरु जी द्वारा निर्दिष्ट संख्या को खोलकर देखा गया और समस्त विवरण सही पाए गए। जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर है और जगत गुरु जी के वक्तव्य ने फैसले का रुख हिंदुओं की तरफ मोड़ दिया। मुसलमान जज ने स्वीकार किया, आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा। एक व्यक्ति जो भौतिक आंखों से रहित है, कैसे वेदों और शास्त्रों से उदाहरण दिए जा रहा था, यह ईश्वरीय शक्ति नहीं तो और क्या है। स्वामी राम भद्राचार्य ने अयोध्या में प्रभु राम जन्म के 441 प्रमाण दिए थे। जब खुदाई हुई तो उनमें से 437 प्रमाण सही साबित हुए थे। राम भद्राचार्य द्वारा प्रभु राम के जन्म के प्रमाण का यह वीडियो इस समय खूब वायरल हो रहा है। एक बार जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य से पूछा गया कि क्या आपने प्रभु राम को देखा है। इस पर उन्होंने एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि लोगों ने तो प्रभु राम की केवल तस्वीरें और मूर्तियां देखी हैं, लेकिन मैंने उन्हें बहुत निकट से देखा है और वह अनुभव दिव्य था।
एक बार मैं यूपी के उन्नाव में था, वहां मेरी कथा थी और हम टेंट में ठहरे हुए थे। सुबह के समय जब मेरे सभी विद्यार्थी अपने कामों में व्यस्त थे, तभी मुझे लघुशंका जाना था और मैं रास्ता भूल गया। उसी समय 3 साल का सुंदर बालक आया। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे बाथरूम तक ले गया। बाद में वह मुझे लौटाकर टेंट तक भी लाया, लेकिन जब मैंने उसे पकड़ना चाहा तो वह दूर हो गया। मैं आज भी उस समय को भूल नहीं पाया। सनातन धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। वेदों और पुराणों के मुताबिक सनातन धर्म तब से है जब यह सृष्टि ईश्वर ने बनाई, जिसे बाद में साधुओं और सन्यासियों ने आगे बढ़ाया। ऐसे ही 8वीं सदी से शंकराचार्य आए, जिन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में मदद की। पद्म विभूषण राम भद्राचार्य जी एक ऐसे सन्यासी हैं जो अपनी दिव्यांगता को हराकर जगत गुरु बने। जगत गुरु राम भद्राचार्य चित्रकूट में रहते हैं। उनका वास्तविक नाम गिरिधर मिश्रा है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। राम भद्राचार्य एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषाविद, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और धर्मगुरु हैं। वह रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगतगुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं और इस पद पर साल 1988 से प्रतिष्ठित हैं। राम भद्राचार्य चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा स्थित जगतगुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं और आजीवन कुलाधिपति हैं। जगतगुरु राम भद्राचार्य जब सिर्फ 2 माह के थे, तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वह बहुभाषाविद हैं और 22 भाषाएं जैसे संस्कृत, हिंदी, अवधि, मैथिली सहित कई भाषाओं में कवि और रचनाकार हैं। उन्होंने 80 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 4 महाकाव्य, 2 संस्कृत और 2 हिंदी में। उन्हें तुलसीदास पर भारत के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में गिना जाता है। वह न तो पढ़ सकते हैं और न लिख सकते हैं और न ही ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। वह केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। साल 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अगस्त 2000 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सहस्त्रपति विश्व शांति शिखर सम्मेलन में भारत के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरुओं में जगत गुरु राम भद्राचार्य सम्मिलित थे। संयुक्त राष्ट्र को उद्बोधित करते हुए उन्होंने भारत और हिंदू शब्दों की संस्कृत व्याख्या और ईश्वर के सगुण और निर्गुण स्वरूपों का उल्लेख करते हुए शांति पर वक्तव्य दिया। इस वक्तव्य द्वारा उन्होंने विश्व के सभी विकसित और विकासशील देशों से एकजुट होकर दरिद्रता उन्मूलन, आतंकवाद दलन और निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयासरत होने का आह्वान किया। वक्तव्य के अंत में उन्होंने शांति मंत्र का पाठ किया। जुलाई 2003 में जगतगुरु राम भद्राचार्य इलाहाबाद हाईकोर्ट के सम्मुख अयोध्या विवाद के ऊपर मूल अभियोग संख्या 5 के अंतर्गत धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ के रूप में साक्षी बनकर प्रस्तुत हुए। उनके शपथ पत्र और चिराह के कुछ अंश अंतिम निर्णय में उद्धृत हैं। अपने शपथ पत्र में उन्होंने सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्रों से उन छंदों को उद्धृत किया जो उनके मतानुसार अयोध्या को एक पवित्र तीर्थ और श्री राम का जन्म स्थान सिद्ध करते हैं। उन्होंने तुलसीदास की 2 कृतियों से 9 छंदों को उद्धृत किया, जिनमें उनके कथानुसार अयोध्या में मंदिर के तोड़े जाने और विवादित स्थान पर मस्जिद के निर्माण का वर्णन है। प्रश्नोत्तर के दौरान उन्होंने रामानंद संप्रदाय के इतिहास, उसके मठों, महंतों के विषय में नियमों, अखाड़ों की स्थापना और संचालन और तुलसीदास की कृतियों का विस्तृत वर्णन किया। मूल मंदिर के विवादित स्थान के उत्तर में होने के प्रतिपक्ष द्वारा रखे गए तर्क का निरसन करते हुए उन्होंने स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य में वर्णित राम जन्मभूमि की सीमाओं का वर्णन किया, जो कि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा विवादित स्थल के वर्तमान स्थान से मिलती हुई पाई गई। मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण की उन्हें काफी सालों से प्रतीक्षा थी। जैसे एक माली को अपने रोपे पौधे में फल आने की प्रतीक्षा होती है, वहीं राम मंदिर आंदोलन को याद करते हुए राम भद्राचार्य ने बताया कि पुलिस की कठोर यातनाएं सही हैं। जेल गए, पुलिस के डंडे सहे, पुलिस का एक डंडा ऐसा लगा कि मेरी दाहिनी कलाई टेढ़ी हो गई, लेकिन भगवान की कृपा से राघवेंद्र भगवान राम सरकार ने अपने अपमान का बदला ले लिया। जगत गुरु राम भद्राचार्य बताते हैं कि जब कोर्ट में राम मंदिर का साक्ष्य देने की बारी आई तो कोर्ट ने उनसे पूछा, आप तो दृष्टि बाधित हैं, कैसे साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे?
मैंने शपथ पत्र प्रस्तुत किया और कोर्ट से पूछा, आप किस विषय में साक्ष्य लेना चाहते हैं? कोर्ट ने कहा, शास्त्र के विषय में। मैंने कहा कि उसके लिए आंखों की जरूरत नहीं, शास्त्र ही सबका नेत्र होता है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने आगे बताया, मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1974 में प्रस्ताव दिया कि वह मेरी आंखें मनवा सकती हैं। मैंने कहा कि यह संसार देखने योग्य नहीं है और मैंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देने वाले बाबा सत्यनारायण मौर्य, 22 जनवरी 2024 सोमवार को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। करीब 500 साल से मंदिर बनने का सपना देख रहे हर राम भक्त की मुराद पूरी होगी। मंदिर बनने का सफर बहुत लंबा रहा, इसमें कई राम भक्तों ने अपने प्राण दिए, अनेकों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। एक ऐसे ही कार सेवक हैं बाबा सत्यनारायण मौर्य, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हिंदुओं में उत्साह का संचार करने वाले कई नारे दिए। एक नारा, राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ने पूरे देश में राम नाम की अलख जगाने में महती भूमिका निभाई। इस नारे के प्रणेता बाबा सत्यनारायण मौर्य एक भटकते हुए बाबा के रूप में भी पहचाने जाते हैं। फिलहाल इनका ठिकाना इंदौर, उज्जैन और मुंबई है। राम भक्ति में लीन रहने वाले बाबा मौर्य शुरुआती दिनों में पढ़ाई खत्म करने के बाद मंदिर आंदोलन से जुड़ गए और अयोध्या की गलियों में राम मंदिर निर्माण की अलख जगाने लगे। पेंटिंग के शौकीन बाबा ने गेड़ू की मदद से गली मोहल्लों की हर दीवार पर नारे लिखना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक नारा था, राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। इस नारे ने हर राम भक्त में एक नई ऊर्जा का संचार किया। श्रीलंका से भगवान श्री राम की शरण पादुका लेकर यात्रा पर निकले बाबा मौर्य ने मंदिर निर्माण पर खुशी जताई है। बाबा सत्यनारायण मौर्य को 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है, जो कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर अपने स्वप्न को यथार्थ बनते देखेंगे। वह कहते हैं कि यह उस समय का संघर्ष है जब हमने कार सेवा की थी, जिसके कारण आज यह क्षण आया है। 1992 में जब ढांचा गिराया गया, उसके पहले से वहां पेंटिंग के लिए वह मौजूद थे। उन्होंने पूरे अयोध्या में बहुत सारे बैनर लगाए थे। उस समय 4 फीट चौड़ा कपड़ा बहुत कम मिलता था, इसलिए वह उज्जैन से 3-4 थान कपड़ा लेकर आए थे। पीले रंग का कपड़ा तो उन्होंने बैनर बनाने में इस्तेमाल कर लिया था। उन्हें नहीं पता था कि 6 दिसंबर को ढांचा गिराया जाएगा। ढांचा गिरने के बाद जब सरकार ने नए निर्माण पर रोक लगा दी तो कार सेवकों ने कहा कि अब क्या करें। इसके बाद उन्होंने उसी मलबे से तख्त रख कर राम जी को बिठा दिया। इसके बाद पत्थर बराबर किए और लकड़ी गाड़कर बैनर वाले गुलाबी कपड़े से अस्थाई मंदिर बना दिया। इसके बाद उन्हें दीवार बनाने का मौका मिला तो उन्होंने हाथ से ही ईंट रखना शुरू कर दिया। 8 तारीख को केंद्रीय पुलिस आ गई, सभी बड़े नेता अंडरग्राउंड हो गए। बाबा जब तक अयोध्या में रहे, लगातार झांकी आकृति और नारे दीवारों पर बनाते रहे। उस समय यह ध्यान रखना होता था कि कहीं पुलिस तो नहीं आ रही है। इसी खतरे के कारण वह जल्द से जल्द आकृति बनाने लगे। 6 दिसंबर 1992 को जिस मंच पर वह थे, वहां भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत कई बड़े नेता थे। वहीं उसमें एक ऐसे थे जिसे कोई नहीं जानता था। प्रसिद्ध नहीं होना ही उनके बचने का कारण था, क्योंकि उस दिन मंच का संचालन उन्होंने किया था। पूरे अयोध्या में पेंटिंग उन्होंने बनाई थी। मंदिर आंदोलन के प्रांत प्रचारक वह थे। रामचरण पादुका की कई कैसेट आंदोलन के लिए बनाई गई। उस समय जो 40 लोग पकड़े गए, वे सभी नेता बन गए। उनका नाम नहीं था, इसलिए वह बच गए। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।